बीजेपी ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया और संकल्प पत्र में शांति, स्थिरता, विकास पर जोर है। और इस दौरान अमित शाह ने कहा कि घाटी में धारा 370 के चलते अलगाववाद बढ़ा है। और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है, मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं, क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी, और आज मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारे काम हुए हैं। अखिलेश यादव पर यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए। नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि 2012 में उनके पिता मुलायम सिंह यादव को जनादेश मिला था, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे को गद्दी सौंपी और इसीलिए विरासत में गद्दी मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि अखिलेश यादव अक्सर बचकानी हरकतें करते हैं। दो हजार बारह में उनके पिताजी को, मुलायम सिंह जी को मैंडेट मिला था, उन्होंने अपने बेटे को गद्दी सौंपी। तो मैं यही कह सकता हूं कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। अखिलेश यादव जी की बचकानी हरकत, अखिलेश यादव जी का कई कई बार फैसले लेना फिर वापस लेना, और एक गरीब से गरीब आदमी कोई किराए के मकान में जाता है, सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारी मकान मिलता है, उसमें से टोटी खोल लेना। देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची गौरी बाजार पुलिस ने महिला के शव की पहचान करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और बताया जाता है कि महिला मदनपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और गौरी बाजार थाना क्षेत्र के एक शख्स से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला प्रेमी से मिलने के लिए गौरी बाजार आई तो किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ, फिर प्रेमी ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने अपराध को स्वीकार भी कर लिया है। आरोपी के बयान एवं अन्य प्रासंगिक साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। परिजनों के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। पीलीभीत में चेन स्नैचर्स ई रिक्शा पर जा रही महिला के सोने के कुंडल खींचकर भाग गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एसओजी की टीम के साथ उसने मुआयना किया और घटना की जानकारी ली। हालांकि चेन लुटेरे अभी भी फरार हैं, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है और उन्हें ढूंढ रही है। जालौन में आधार कार्ड बनाने को लेकर डाकघर में कर्मचारियों की मनमानी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। डाकघर में बने आधार कार्ड केंद्र का ऑफिस खुलते ही लोगों की लंबी लाइन लग गई और आरोप है कि आधार कार्ड बनाने वाले कर्मचारियों ने मशीन खराब होने का बहाना बनाकर आधार कार्ड बनाना ही बंद कर दिया। इस पर लाइन में लगे लोगों ने हंगामा करते हुए डीएम से मामले की शिकायत की। डीएम के आदेश के बाद सदर तहसील के नायब तहसीलदार डाकघर पहुंचे और आधार कार्ड बनाने वाले कर्मचारियों को नायब तहसीलदार ने कड़ी फटकार लगाई और समय पर आधार कार्ड बनाने के निर्देश दिए। गाजियाबाद की इंदिरापुरम पुलिस ने एक मिनी ट्रैवलर बस में बैठकर साइबर ठगी का जाल बिछाने वाले तीन शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह टेलीकॉलिंग के जरिए क्रेडिट कार्ड धारकों को रिवॉर्ड पॉइंट्स और रिडीम करने का झांसा देकर उनसे जानकारी हासिल करता था और फिर उसी से लोगों को ठगी का शिकार भी बनाता था। गिरोह किसी ऑफिस में बैठकर काम नहीं करता था, बल्कि कैब बुक करके उसी से ठगी का पूरा खेल खेलता था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मिनी बस में छापेमारी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से
13 कीपैड्स, मोबाइल, 7 एंड्रॉइड फोन, 16 सिम कार्ड, 4 चेकबुक और कई जरूरी दस्तावेज बरामद किए। इनका पूरा एक गैंग है, उस गैंग में ये अभी अपने 3 मेंबर यहाँ पे हमें बस के अंदर मिले हैं और इन लोगों द्वारा बताया गया कि ये लोग टेली कॉलिंग के माध्यम से जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता था उनको फ़ोन करते थे और क्रेडिट कार्ड का डाटा भी इनको इनके गैंग के द्वारा उपलब्ध कराया जाता था और उसको ये लोग लगातार फ़ोन करके उन लोगों से ये बताते थे कि आपको कूपन के जो पॉइंट्स हैं उनको रिडीम करा लीजिए। रिडीम कराने के नाम पर उनको लालच देते हुए ये लोग अपना एक साइट का नाम बताते थे, उस पर ये लोग क्लिक कराते थे उनसे, सामने वाले कस्टमर से, जिससे कि उनके पैसे के फ्रॉड होता था। अम्बेडकर नगर में एक शख्स की रात में सोते समय धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चला है। पुलिस के अनुसार किसी जानने वाले ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले हैं। जैतपुर थाना क्षेत्र के दिनकरपुर गांव की वारदात है, जहां वो गांव के बाहर खेत में बने अपने नए मकान में अकेले सोए हुए थे, तभी किसी ने उनकी हत्या कर दी। रात के समय में इनके ऊपर किसी धारदार हथियार से इनके सर पर हमला किया है, जिससे इनको चोट पहुंची है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा जब मौके पर पहुंचा गया तो पाया गया कि ये अपने बिस्तर में ही घायल अवस्था में थे और इनकी मृत्यु हो रखी थी। इस सूचना पर पुलिस द्वारा यहां पर पहुंचकर एविडेंस कलेक्ट किया गया है। पुलिस के पास कई महत्वपूर्ण लीड आए हैं। अभी तक की जो जाँच है उसमें किसी जानने वाले द्वारा ही उनके चेहरे पर वार करने की बात निकल कर आ रही है। नैनीताल के पिटरिया इलाके में गुलदार आखिर पकड़ा गया है। पिछले कई दिनों से इलाके के लिए ये लेपर्ड खतरा बना हुआ था। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद वन विभाग ने यहां पर पिंजरा लगाया था और जिसके बाद लेपर्ड को पकड़ा जा सका। वहीं वन विभाग की टीम गुलदार को अपने साथ रेस्क्यू सेंटर ले गई है। इस गुलदार के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। पिछले 15 तारीख से इसलिए बहुत परेशान कर रहा था, महिलाएं बाहर निकलना दूभर हो गया था, बच्चों को जो है घर के अंदर रहना पड़ रहा था और महिलाओं के बीच में से ये जानवर जो है मुर्गियों को उठा के ले जा रहा था। बस्ती जिले में बिजली विभाग का अजब गजब कारनामा सामने आया। उसने एक शख्स को 80,000 का बिल पकड़ा दिया, जिसके घर में बिजली कनेक्शन तक नहीं है। बिना कनेक्शन के भारी भरकम बिजली का बिल देखकर दिव्यांग रामफेर के होश उड़ गए और अब वो बिजली विभाग के दफ्तर के चक्कर काट रहा है। तो वहीं दूसरा मामला लालगंज का है। यहां बिजली विभाग ने शोएब नाम के एक व्यक्ति को 82,000 का बिल दे दिया। 3 महीने पहले उसके घर का मीटर खराब हो गया था और 591 रुपए तक बिल बकाया था। एप्लीकेशन देने के बाद भी मीटर नहीं बदला। जेई से इस बात को लेकर उसकी बहस भी हो गई और फिर उसके घर बिजली का बिल 591 रुपए से बढ़कर सीधा 82,000 रुपए आया। अब इसकी शिकायत सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर से की गई है। उन्होंने दोनों मामले में जांच के आदेश दिए। अरे साहब, आइल वे 1,80,000 बिजली नहीं लगा है आपने? साहब आज तक ले एकदम किलिया खाए लायक है और काब का साहब कुछ कहीं ना जात। कहीं किसी से आपने शिकायत किया था कभी? शिकायत साहब वह बनकटी कहीं ले रह ली है। तो कोई आया था? हाँ आवक तो बहुत जन ही आई ना गई ना, बाकी कुछ भर गई ना है साहब। जब एक बार लाइट का बिल, बिजली का बिल निकालने के लिए आए तो हम उनसे बोले कि इतना लाइट का बिल क्यों आ रहा, और लाइट जब कट जाता है तो कोई अधिकारी नहीं आता है। तो इसी के जीत बस उन्होंने लाइट हमारा काट दिया था और बिजली का बिल इतना ज़्यादा भेज दिया। कितना है बिजली का? हमारा उनका थोड़ा बहुत बहस हो गया था। किस बात को लेकर हुआ था? इसी बात लाइट को लेकर। तो अभी क्या स्थिति है आपकी? अभी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है। कितना है? 82,000 कुछ रुपए आया था और हम कैसे जमा करें, हम इतना गरीब हैं। जांच का विषय है, दिखा के देखा जाएगा कि इसने कनेक्शन ऐसा तो नहीं है, कटिया कनेक्शन जब चल रहा हो लिया हो और पैसा नहीं जमा किया और जब अचानक बिल आ गया, कनेक्शन लेटराइज हो गया उसके नाम से, तो उसको जांच करा के कार्रवाई करें। सर वही प्रकरण एक जिभियाओं में भी है बिजली के बिल को लेके कि मीटर उपभोक्ता अगर रीडिंग ले आता अपनी, देख लेते हैं कि अच्छा तो नहीं है कि गलत रीडिंग से देखा गया हो।